हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी जो फिलहाल आज की स्थिति थी, हम सभी को पता है बहुत ही अच्छा यहाँ पे गैप अप ओपनिंग था ओवरनाइट। बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था और अब जैसा हम लोग यहाँ पे एक दो दिन से बात कर रहे थे कि 2-3 दिन से किसी और मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो हो सकता है आज या कल ये मोमेंटम पॉसिबल है। तो आज देखेंगे, आज ट्रेंडिंग मोमेंटम था, ये बात अलग है। अपने आप को यहाँ पे ये बायर्स होल्ड नहीं कर पाए हैं, अपर वाले लेवल्स पे यहाँ पे बायर्स होल्ड नहीं किए हैं और माल बेच के यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे माल बेच के निकलता हुआ हम लोगों को दिखा है। तो यहाँ पे ये लोअर एंड पे फिर से आके क्लोजिंग दिया है। ये लेवल जो है ये ऑलरेडी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम से ज़्यादा ये टेस्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ से ये नीचे निकलता है तो सीधे इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अगर यहाँ पे इसने अपने आप को होल्ड किया होता तो हो सकता था ये आने वाले समय में ब्रेकआउट दे देता, लेकिन अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे बायर्स अपने आप को होल्ड नहीं कर पाए, डिफेंड नहीं कर पाए और नीचे कहीं ना कहीं नीचे आ गए हैं। मतलब बायर्स को ये प्राइस भी अब ये सही नहीं लग रहा है जिस प्राइस से इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए। मतलब किसी न किसी नीचे वाले प्राइस पे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है जहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा। इस बात पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। दूसरी बात देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ठीक है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओके। तो दूसरी बात जो ये यहाँ पे है तो इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट करूँगा। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन था ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ये इस तरीके से ब्रेक डाउन तो हुआ था लेकिन ऊपर जाके फिर से ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो गया था। आज फॉर्म होने के बाद अगर फ्लैट ओपन होके अगर इसको ब्रेकआउट दिया होता तो पॉसिबिलिटी थी ये ऊपर यहाँ टिक जाता, लेकिन गैप अप ओपन हुआ ठीक है। जितने लोग फंसे थे हो सकता है उन्होंने यहाँ पे माल बेच दिया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉपी हो गया है, किसी और जा नहीं रहा है। तो बहुत लोग जब आज प्रॉफिट में देखे होंगे बहुत दिनों के बाद अपना अकाउंट, हो सकता है प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिए होंगे और किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे माल बेचा भी होगा राइट। तो अगर अब फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो इन्हीं लेवल के दर्शन होते हुए हम लोगों को फिर से देखने को मिल सकते हैं 2520। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, उसके बाद आएंगे फिर से 15 टाइम फ्रेम पे ठीक है। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट वीक हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीक भी कुछ इसी तरीके का हमें क्लोजिंग मिला था लेकिन रेड कैंडल में मिला था और इस बार हमें ग्रीन कैंडल में मिला है। तो हमने ये बात किया था क्लियरली, यहाँ पे ये बात किया था अगर इसका लो ब्रेक डाउन होता है तो हम लोगों को अगला इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 2540 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉबिलिटी थी नहीं इसके ऊपर ब्रेकआउट किया। और हमने ये भी बात किया था अगर यहाँ पे गलती से गैप ओपन होता है तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पिछले 3 वीक से ये यहाँ पे गिरावट की तरह कैंडल बना रखा है। इस बार यहाँ पे थोड़ा सा होप दिया था, अगर यहाँ पे ये इसकी जो क्लोजिंग है थोड़ी स्ट्रांग हुई होती तो इसका प्रॉबिलिटी था ये इस तरीके से इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल जाएगा, लेकिन क्लोजिंग फिर से निगेटिव हो गया है और फिर से एक वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गया है राइट। ऐसा इनसाइड कैंडल मतलब जो कि ये जो लो लेवल है ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 टाइम्स यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे 4 टाइम्स ये लो लेवल हर 4 कैंडल में इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा लगभग लगभग 2520 का, और उसके बाद 2500 के आसपास हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा वायर्स ट्राई करे इसको, क्योंकि ग्राउंड लेवल है लेकिन ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि जितनी बार हिट किया है तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट हम लोग इमीडिएट कैंडल जो देख सकते हैं वो 2440 50 के आसपास तक का देखने को मिल सकता है। 2450 40 के आसपास का हम लोग को कैंडल देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो अभी सपोर्ट है वो थोड़ा वीक हो चुका है। अगर ब्रेकडाउन होगा वीकली टाइम फ्रेम पे तो इतना मोमेंटम देखने को मिलेगा, हो सकता है बायर्स फिर इन्हीं पॉइंट से फिर से एक बार इंटरेस्टेड हो ठीक है और इसके ऊपर के लिए और लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है। ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन पे एक अच्छे तरीके से हम सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक तरीके के ट्रायंगुलर पैटर्न में चेंज हो रहा है। देखेंगे, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इस बार देख लेंगे, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मिलता है मतलब आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा ठीक है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिलेगा। किस तरीके का रैली, जैसे ये रैली था ठीक है, या फिर डाउनफॉल का रैली, मतलब 4 से 3 से 4 वीक का हम लोग यहाँ पे रैली फिर से देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो।
तो आने वाले समय में ये रेंज नैरो होता जा रहा है, हो सकता है ये ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की ओर देगा, और जब भी देगा हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे के जाने वाला है। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, अपना पेशेंसली इसको वेट करना चाहिए एंड उसके बाद में कोई पोजिशन जाके बनाना चाहिए। देखिए आप पोजिशन कब बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे दो इतनी गिरावट के बाद यहाँ पे इस तरीके से जब ये हाई ब्रेक हो रहा था तब बहुत लोग जाके पोजिशन बनाए होंगे और नो डाउट अच्छा पैसा भी बनाए होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके का सिचुएशन है, जब हमारे पास कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो जाके हमें कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। या फिर ये जब यहाँ पे ये कैंडल मान लेते हैं, हैमर टाइप कैंडल बना था, इसके पहले बहुत ही अच्छा रैली किया था, तो यहाँ पे जब पोजीशन बना रहा था तो बहुत लोगों ने पुट भी बाई किया होगा। ये यहाँ पे ठीक है, जस्टिफाई होता है, लेकिन अगर आप कहीं पे बीच में जाके इन लेवल्स के आसपास पुट वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब तो आप थोड़ा सा अपने पैसे रिस्क पे लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे हैं। जब तक मुझे एक्चुअली जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तब मैं यहाँ पे पैसे लगाने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल, अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है 2580 के आसपास, 90 के आसपास, तो हो सकता है इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाए। और ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो याद रखेंगे यहाँ पे तीन चार, जैसे मतलब नीचे जो सपोर्ट है वो भी तीन चार का है, वैसे ये जो ऊपर जो है ये भी तीन चार बार यहाँ पे सेलिंग आ चुका है। तो इस बार अगर बायर्स लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत तेजी से ही ये 2800 के आसपास जाएगा। पहले तो ये गैप फिल करेगा 2700 के आसपास वाला, उसके बाद तेजी से ये फिर 2800 के आसपास निकलेगा और एक अच्छी रैली में चेंज हो सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है इस शेयर में, इससे इसको पॉइंट नोट करके रखेंगे। अभी वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा कहीं मोमेंटम नहीं हुआ है, चौपनेस अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे नीचे सपोर्ट है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आज की कैंडल की बात करेंगे तो आज बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। पिछले 3 दिन को मोमेंटम को सिर्फ आज के एक कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फ करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। देख रहे हैं छोटे 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 कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन गया, मतलब बहुत ही अच्छा खासा आज किसी ने माल यहाँ पे बेचा है। और ये फिर क्लोजिंग भी हम लोग को नीचे मिला है, तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपन हो गया, 2570 के आसपास कहीं पे ओपन हो गया, पांच ऊपर या नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ही इन लेवल 20, ये लेवल कितना है देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 2560 का लेवल ब्रेक डाउन होगा, ये तेजी से नीचे की ओर गिर सकता है। और ये जो 3 दिन का यहाँ पे 3 बार का लो लग रखा है, ठीक है 2540 के आसपास, इस लेवल के आसपास ये रीटेस्ट कर सकता है। देखिएगा इसको यहाँ पे आगने के बाद रीटेस्ट कर सकता है एंड उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे बायर जरूर ट्राई करेंगे इसको ऊपर लेके जाने की। लेकिन अगर फेल होगा तो जैसा हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया है वैसा यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। इसको अभी इस जैसा इस कैंडल में सेलिंग देखने को मिला है, एक ही चीज़ यहाँ पे बचा सकता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है 2600 के आसपास तो हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं, लेकिन गैप अप ओपन होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने लेवल्स इंपॉर्टेंट टारगेट देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स टारगेट देखेंगे तो अगर ये नीचे की ओर यहाँ पे, ठीक है ये लेवल तो ऑलरेडी हमारे पास टेस्टेड है मेनी टाइम्स, तो अभी ये 2557 को ब्रेक डाउन करता है, तो 2548 पहला टारगेट, 2540 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर बात करेंगे 2598 का ब्रेकआउट होता है, तो 2610 दूसरा टारगेट, 2620 का देखने को मिल सकता है। वीडियो अभी तक पसंद नहीं, लाइक नहीं किया होगा आपने तो जरूर लाइक कर दें, पसंद कर लें। चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।